मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर हैं। जिस वक्त नेताओं को 2023 के चुनावी रण को जीतने की तैयारी की जानी चाहिए, उस वक्त पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बाद अब भाजपा की एक और नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। जल्द ही वह कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पार्टी संगठन से नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ती जा रही है कि वो पार्टी ही छोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ दी थी, उसके साथ ही पार्टी छोड़ने का यह सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अब लंबे समय से बीजेपी में रही पूर्व मंत्री कुसुम मेहंदेले भी बीजेपी छोड़ रही हैं। कुसुम ने अपने पन्ना निवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक से मुलाकात की है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस लंबे समय से मेहंदेले के संपर्क में है। उन्हें कांग्रेस से जोड़ने के लिए पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता मुकेश नायक लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।